नमस्कार दोस्तों, मैं साइमुल हसन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HT चैनल। नए साल की शुरुआत कल से होने जा रही है और आज 31 तारीख है। और सबसे बड़ी बात, आज आपको हम बता दें कि एक्सप्रेसवे पर जिन गाड़ियों में फास्ट टैग लगा है वही शख्स निकल पाएगा, क्योंकि अभी तक ये प्रणाली थी कि पैसा दे देते थे, टोल कट जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया है जिन गाड़ियों में फास्ट टैग होगा वही टोल से निकल पाएगा। अभी तक पैसा देकर निकल जाते थे, अब 1 तारीख से, कल से, यानी कि 1 जनवरी 2021 से, नए साल से आप लोग टोल पर नहीं निकल पाएंगे। जिन गाड़ियों में फास्ट टैग होगा वही निकल सकता है। अब निश्चित तौर पर आपको टोल पर निकलने के लिए फास्ट टैग लगवाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन अरवाद के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट। अच्छा अरशद जी, कल 1 जनवरी है, कल से ये लागू हो रहा है फास्ट टैग। जिन गाड़ियों में फास्ट टैग नहीं लगा होगा वो टोल के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? यह हमें काफ़ी परेशानी होगी, टोल के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को, काफ़ी लोगों को तो जानकारी नहीं है कि फास्ट टैग होता क्या और कब से लागू हो गया। जी 1 जनवरी 2021 से लागू हो रहा है फास्ट टैग। तो अभी हम सरकार से चाहेंगे कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, जिससे हम अपनी गाड़ियों में फास्ट टैग लगवा सकें। और जो मरीज जाएगा अपनी वाहन से लेके, मरीज यदि जाएगा तो उन्हें दिक्कत होगी बहुत टोल से निकलने में, फास्ट टैग नहीं होगा अगर उनकी गाड़ी में। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, जिससे कि हम अपनी गाड़ी में फास्ट टैग लगवा सकें और हम अपने सफ़र आराम से हो सके, आसानी से। जैजी, अच्छा जैजी, जो कल से नंबर्स है फास्ट टैग का, कह दिया गया सरकार ने कल से बगैर फास्ट टैग की गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी, तो कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? परेशानी तो काफ़ी होगी। कल से जो कुछ लोग हैं जिन्हें पता है और कुछ लोग हैं नहीं पता है, उनके लिए तो काफ़ी परेशानी है फास्ट टैग की। अब उन्हें कोई परेशानी है, जैसे कोई बीमार होता है या कुछ होता है, अब वो एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो उन्हें नॉलेज नहीं है जब फास्ट टैग की, तो कैसे जा सकेंगे। अच्छा अभी भी लगभग कई गाड़ियों में फास्ट टैग नहीं लगा है, तो वो बगैर पैसे दे के टोल कटा लेती थी, अब कल से नहीं निकल पाएंगी। तो भाई तो काफ़ी परेशानी वाली बात है ये, थोड़ा टाइम दिया जाए सरकार से। अच्छा तो आपका कहना है टाइम दिया जाए। अच्छा।